वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के वार्म अप मैचेज अब शुरू हो चुके हैं और आज के इस वीडियो में मैं आपको टीम इंडिया के उन तीन बड़े प्लेयर्स के नाम बताने वाला हूं जिनको आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के बाद इंडियन स्क्वाड से निकाल दिया जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डिलेज लेट्स गेट स्ट्रेट इन टू द वीडियो। अगर सबसे पहले प्लेयर की बात करें, जो सबसे पहला प्लेयर है इस लिस्ट में वो है गब्बर यानी कि शिखर धवन, जिसको ठाकुर यानी कि बीसीसीआई टीम से बाहर कर सकती है। शिखर धवन की एक अजीब ही किस्म की खासियत है, अगर इनका बल्ला चलता है तो लगातार 5-6 मैचों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अगर इनका बल्ला खामोश हो जाता है तो ऐसा लगता है कि सूखा आ चुका है, क्योंकि ये 2-3 सीरीज तक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। और इनका जो वर्ल्ड कप 2019 के प्लेइंग 11 में सिलेक्शन हुआ है वो भी जैसे तैसे हुआ है, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया ने इंडिया में सीरीज़ खेली थी तब उन्होंने एक शतक मारा था और उसके पहले 10 मैचेस में उन्होंने एकदम भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, जिसके वजह सिलेक्टर्स फोर्स हो चुके थे केएल राहुल को ट्राई करने के लिए, लेकिन लास्ट में जाके इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और इनको फाइनली प्लेइंग 11 में भी एक जगह मिल गई। लेकिन अब आप मान के चलिए कि आने वाले 3 साल के अंदर रोहित शर्मा को एक नया ओपनिंग पार्टनर मिल जाएगा और शिखर धवन की टीम से एग्जिट होने वाली है। जो दूसरा प्लेयर है इस लिस्ट में जो वर्ल्ड कप 2019 के बाद बाहर हो सकता है वो है दिनेश कार्तिक। वर्ल्ड कप 2019 के स्क्वाड की जो अनाउंसमेंट हुई तो एमएसके प्रसाद जो कि चीफ ऑफ द सिलेक्टर्स है, उन्होंने यही कहा कि उन्होंने दिनेश कार्तिक को इसलिए लिया है क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है और जैसे ही वर्ल्ड कप 2019 खत्म हो जाएगा तब सिलेक्टर ऋषभ पंत को ज़्यादा चांसेस देंगे और ऋषभ पंत ही आपको टीम में नज़र आने वाले हैं। और अगर ऋषभ पंत भी फ्लॉप हो गए तो ज़रूर सिलेक्टर्स एक नए फेस की तरफ जाएंगे, क्योंकि दिनेश कार्तिक को सिलेक्टर्स ने बहुत ज़्यादा मौका दिया है और हर मौके में वो फेल होते हुए नज़र आए हैं। अगर तीसरे प्लेयर की बात करें, जो तीसरा प्लेयर है इस लिस्ट में वो है कुलदीप यादव। कुलदीप यादव इकलौते प्लेयर है इस लिस्ट में जिनका फॉर्म डिपेंड करेगा कि अगर उन्होंने वर्ल्ड कप 2019 में अच्छा प्रदर्शन किया तब वो टीम में रहेंगे और अगर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो वो टीम से बाहर हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया तो ये लंबे रेस के घोड़े बनने वाले हैं और ये टीम इंडिया की स्क्वाड में बहुत लंबे टाइम तक रहेंगे, लेकिन कहीं अगर इनका फॉर्म वर्ल्ड कप 2019 में फिसला तो फिर ये टीम से भी फिसल जाएंगे और फिर ये टीम से भी बाहर होने वाले हैं। तो ये तो थे वो तीन बड़े प्लेयर जो वर्ल्ड कप 2019 के बाद टीम इंडिया से बाहर हो सकते हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में रखे 100 लाइक्स का टारगेट। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबा लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।